तो इन दिनों सब जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम किस तरह से कहर बरपा रहा है। ठंड का सितम लगातार जारी है और आप मानिए कि पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा मैदानी इलाके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, इन सभी इलाकों में ठंड का कहर इस तरह से पड़ रहा है कि माइनस में टेम्परेचर पहुंच रहा है कई कई जगह। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ चुका है। कोहरे ने अब वाहनों की रफ्तार को थाम लिया है। भयंकर कोहरे की वजह से 23 ट्रेनें लेट हैं और कई ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें मजबूरन रद्द करना पड़ा है। अब मानो वाहनों की रफ्तार पर कोहरे ने अपनी धाक जमा ली हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोहरा पड़ रहा है। कानपुर सेंट्रल की भी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर है कि किस तरह से विजिबिलिटी केवल नाम मात्र है। ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कितनी धीमी होगी। वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। ऐसे में वाहनों की रफ्तार जहां पर घटती है, एक फायदा भी देखने को मिलता है कि जो सड़क हादसे हैं वो कम होते हैं, लेकिन अगर वाहनों की रफ्तार ज्यादा होगी तो ऐसे में सड़क हादसे भी बढ़ेंगे। मैं भी नहीं बता पाऊंगा, जब से सर्दी स्टार्ट हुई है मैं अभी तक गया नहीं हूँ, पर चंडीगढ़ के मुकाबले आज काफी हद तक कम लग रही है, मतलब पिछले दिनों से काफी हद तक कम है आज। दिल्ली में सर्दी आज बहुत हद तक कम है। अगर मैं चंडीगढ़ के मुताबिक बात करूँ तो आज कुहासा भी कम है, मौसम साफ है और आज मतलब नॉर्मल है, मौसम सही है। तुम्हारा आज कम है और सब दिन के मुकाबले विजिबिलिटी ठीक है? हाँ, विजिबिलिटी सही है, बेटर है पहले से। प्रदूषण के बात करें तो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, प्रदूषण बढ़ता हुआ, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मुझे थोड़ा साफ फील हुआ था, मतलब थोड़ा हवा मतलब सही लगा था। आज थोड़ा सा पॉल्यूशन हो रहा है, बढ़ रही है प्रदूषण, इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट तो काम करना चाहिए इस पर, और गवर्नमेंट शायद काम कर भी रही है। अभी कुछ चीज़ ऐसा लाना चाहिए जिससे मतलब प्रदूषण कम हो, जैसे ई व्हीकल है, और हमें प्लांटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो हम ट्राई करें इंडस्ट्रियल जो भी एस्टेब्लिश हो वो आउट ऑफ द सिटी एस्टेब्लिश हो, सिटी के अंदर ना हो। तो ठंड का सितम लगातार जारी है, लेकिन इस ठंड के बीच आप अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा है। ऐसे में जो कॉमन फ्लू है, कोल्ड है, फीवर है, वो भी बढ़ चुके हैं।